नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गजब ज्ञानी संदीप में। दोस्तों आज मैं आपसे नेपोलियन हिल्स की बुक पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच की शक्ति की समरी शेयर करने जा रहा हूं, जिससे आपको यह पता चलेगा कि आपके भीतर एक ईश्वरीय पद्धति शक्ति है, जिससे आपका अपनी भावनाओं पर नियंत्रण होगा। आप अपने भीतर के भय पर नियंत्रण कर लेंगे। आप अपनी विद्ध की विफलताओं और दुखों पर सोचना छोड़ देंगे और उन्हें अपने जीवन में दोबारा होने से भी रोकेंगे। तो दोस्तों बिना किसी देरी के करते हैं काम की बात। आइए सबसे पहले जानते हैं PMA क्या होता है। दोस्तों जब आपके पास PMA होता है तो आप अपने आप से खुश रहते हैं और दूसरों के साथ भी खुश रहते हैं। आपके भीतर वह आंतरिक भाव, वह आंतरिक मनोदशा होती है जो आपको आत्मसम्मान और उपयोगी भावनाएं देती है। आपकी ओर सकारात्मक भाव और परिस्थितियां आकर्षित होती हैं और नकारात्मक आपसे दूर हो जाती हैं। दोस्तों सकारात्मक आदतें आपके मानसिक को अधिक सजग रहने, आपकी कल्पनाओं को अधिक सक्रिय रखने, आपके उत्साह को बढ़ाने और इच्छा शक्ति को मजबूत करने में स्वाभाविक रूप से प्रभावित करती है। दोस्तों चीजों को सीखने के ऊपर एक चीनी कहावत है, मैं सुनता हूँ और मैं भूल जाता हूँ, मैं देखता हूँ और वह मुझे याद रहता है, मैं जब करता हूँ तो यह मुझे समझ में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सूत्र के साथ। पहला सूत्र, पूरे विश्वास के साथ अपने मस्तिष्क पर काबू कीजिए। दोस्तों हमारे मस्तिष्क में 10 अरब कोशिकाएं हैं। ये सभी कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इनमें सभी आपके अनुसार कार्य करने के लिए बनी हैं। फिर भी सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी इस शक्ति का पूरी तरह से प्रयोग नहीं कर पाता। इतिहास में महानतम व्यक्तियों के IQ भी औसतन व्यक्तियों से ज्यादा नहीं रहते हैं। दोस्तों उनकी उपलब्धि और महानता का कारण है उनका अपनी मानसिक शक्तियों के प्रयोग करने की उनकी क्षमता। आपके भीतर अपार मानसिक क्षमताएं हैं, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि अपने मस्तिष्क की इस क्षमता का प्रयोग सकारात्मक सोचने में करें ताकि वे सभी आपके फायदे के लिए काम करें। दोस्तों जान लेते हैं सूत्र नंबर 2 के बारे में। अपने मस्तिष्क को उन चीजों पर केंद्रित कर दीजिए जो आपको चाहिए और उन चीजों से दूर कर लीजिए जो आपको नहीं चाहिए। दोस्तों टेरी विलियम्स एक अस्पताल में स्वयं सेविका थी और उसे लोगों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन समस्याओं से वह परेशान हो गई और उसने इस नौकरी को छोड़ने का निर्णय लिया। उसे यह महसूस हुआ कि वह जिन चीजों से प्यार करती है वह है अच्छी खबरों को बांटना, ना कि बुरी खबरों को। और फिर उसने एक प्रचारक कंपनी खोली जिसके शीघ्र ही कई ग्राहक बन गए। दोस्तों वह कभी भी अपने देश की सर्वश्रेष्ठ प्रचारक नहीं बनती यदि उसे अपनी पहली महत्वाकांक्षा के बिखरने पर निराशा नहीं मिली होती। दोस्तों विगत में मिली निराशा या अप्रिय परिस्थितियों के कारण मिले अनुभवों को भूल जाएं। असफलताएं, निराशाएं या दूसरे के प्रति नकारात्मक भावनाओं के साथ जीने से स्थिति और भी बदतर होती है। अपनी असंतुष्टि को किसी ऐसी चीज के साथ कम कीजिए जिसे आपको प्रेरणा मिलती है। सूत्र नंबर 3, दूसरों के साथ भी वैसा ही कीजिए जैसा कि आप दूसरों से अपने लिए अपेक्षा करते हैं। इसके विपरीत दूसरों के साथ ऐसा मत कीजिए जो आप अपने लिए अपेक्षा नहीं करते। दोस्तों इस नियम का सहारा लेने का आशय यह होता है, आपको दूसरों के लिए खड़ा होना चाहिए, उनका अभिभावक, रक्षक और सलाहकार बनना चाहिए। दोस्तों हर व्यक्ति में और हर परिस्थिति में अच्छी चीजों का तलाश कीजिए, साथ ही साथ दूसरों की सहायता कीजिए, प्रशंसा कीजिए और उत्साहवर्धन कीजिए, ना कि आलोचना या आरोप कीजिए या बदला लीजिए। किसी की मदद करने के लिए अतिरिक्त प्रयास कीजिए। सूत्र नंबर 4, आत्म परीक्षण करके सभी नकारात्मक विचारों को निकालिए। दोस्तों ऑथर का मानना है कुछ लोगों को तब तक इस बात का पता नहीं चलता कि वे नकारात्मक ढंग से सोचते हैं जब तक कि वे अपने विचारों, कार्यों और परिस्थितियों को जांचने का सजग प्रयास नहीं करते हैं। दोस्तों आत्म मूल्यांकन की प्रक्रिया सरल है, बस अपने से पूछिए क्या यह सकारात्मक है या नकारात्मक। जब आप अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण प्राप्त करने और अपनी कल्पना शक्ति के बल पर इसे अपनी मनचाही दिशा में मोड़ने में विफल हो जाते हैं तो इस बात की बहुत संभावना है कि प्रतिक्रियाएं नकारात्मक होंगी ना कि सकारात्मक। सूत्र नंबर 5, दोस्तों खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। दोस्तों ऑथर का कहना है खुश रहने के लिए खुशी का प्रदर्शन कीजिए। आप नए विचारों के लिए नए ढंग से काम कर सकते हैं। उत्साहित बनिए, उत्साह का प्रदर्शन कीजिए खुद पर और समस्त संसार पर हंसिए। वहीं अगर आपको चिंताएं करनी है तो सकारात्मक ढंग से चिंता कीजिए। दोस्तों ऑथर कहते हैं चिंता करना यह सोचना है क्या गलत हो सकता है और इसका समाधान यह है कि जागरूक रूप से यह सोचना कि क्या सही हो सकता है। दोस्तों हमारा अवचेतन मन
वास्तविक अनुभवों और काल्पनिक अनुभवों में अंतर नहीं कर पाता है। इस सिद्धांत का लाभ उठाने के लिए उसने निम्नलिखित अभ्यास की सलाह दी है। प्रतिदिन एक निश्चित समय विधि निर्धारित कीजिए, जबकि आप अपनी आंखें बंद करके लक्ष्य के बारे में कल्पना कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपने आप को इस तरह देखिए, मानो आपने उन लक्ष्य को पहले ही प्राप्त कर लिया है, और कल्पना कीजिए कि वह लक्ष्य कैसा लगता है। दोस्तों, यह प्रयास कीजिए, यह कारगर होता है। यह अद्भुत भावना जिसका आपको अनुभव होगा वही PMA है। सूत्र नंबर 6, सहनशीलता की आदत डालिए। दोस्तों, लोगों के प्रति खुला मन रखिए। लोग जैसे हैं उन्हें उसी रूप में पसंद करने और स्वीकार करने की कोशिश कीजिए, ना कि यह अपेक्षा कीजिए कि वे वैसे हो जाएं जैसे आप चाहते हैं। सूत्र नंबर 7, स्वयं को सकारात्मक सलाह दीजिए। दोस्तों, अपने मस्तिष्क को इस तरह से प्रशिक्षित कीजिए कि यह हर समय ही सकारात्मक भाव को अभिव्यक्त करे। आपको यह मालूम होना चाहिए कि आप उन्हीं विचारों या भावनाओं को भौतिक सत्य के रूप में परिवर्तित करते हैं जो हमेशा आपके मन में रहती है। दोस्तों, शायद आपने यह कहावत सुनी होगी, आप मुझे वह बताएं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं और मैं आपको यह बताऊंगा कि आप कौन हैं। दोस्तों, जितना ज्यादा आप उद्देश्यपूर्ण ढंग से किसी संदेश को खुद दोहराते हैं और उसमें जितना ज्यादा अपनी भावना और अपना विश्वास डालते हैं, उतना ही ज्यादा प्रभावशाली रूप से यह आपके अवचेतन मन में बैठ जाता है। सूत्र नंबर 8, अपनी प्रार्थना की शक्ति का प्रयोग कीजिए। दोस्तों, हो सकता है कि ईश्वर के अस्तित्व के प्रति आप अनिश्चित होंगे, या हो सकता है कि आपको यह विश्वास भी हो कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन आपको प्रार्थना की शक्ति में विश्वास दिलाने के लिए कुछ आशावादी प्रयोग करने होंगे। दोस्तों, प्रार्थना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप उस व्यवस्था के भीतर अपने स्थान को स्वीकार करते हैं और उसे बदलने के लिए अपने आप को तैयार करना शुरू कर देते हैं। आप जितना ज्यादा ईश्वर और उसकी उदारता को स्वीकार करते हैं उतना ही अच्छा है, लेकिन यदि आप इस पर संदेह भी करते हैं और वह संदेह बहुत देर तक नहीं रहेगा। सूत्र नंबर 9, अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। अपने लक्ष्य को निर्धारित करना अपने मस्तिष्क को उन चीजों पर लगाना है जो आप चाहते हैं और उन चीजों से हटाना है जो आप नहीं चाहते हैं। 10वां सूत्र, अध्ययन कीजिए, सोचिए और प्रतिदिन योजनाएं बनाइए। दोस्तों, अपने जीवन में हर वह चीज प्राप्त करने के लिए जो आप चाहते हैं, आपका स्वयं के प्रति यह कर्तव्य है कि आप सकारात्मक मानसिक भाव का विश्वास करें और उसे बनाए रखें। दोस्तों, PMA की शक्ति व्यापक है। यह आपको ऐसी किसी भी जगह पहुंचा सकती है जहां आप जानना चाहते हैं। उसकी मदद से असंख्य लोग सामान्य परिस्थितियों से निकलकर संपत्ति, सुख और सफलता की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।